ये मुकाम, ये अचीवमेंट और ये प्यार, आज ये इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा फैन बेस किस बदौलत बना, कैसे बना और इतना समय लगा, वो वर्थ इट था या नहीं था, या जो भी चीज़ें झेली गई वो वर्थ इट था या नहीं था, इस बारे में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा संक्षेप में बात करेंगे। और बाकी तो यार आप सबका प्यार बना रहे, नमस्कार आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फीफा फूज, मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों आप इस चीज़ को मानेंगे ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि माने या ना माने, आप मानेंगे ज़रूर इस चीज़ को कि भाई मुनव्वर ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना कि भाई कभी कभार भगवान आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि जब मैं इसको बहुत सारा कुछ दे दूँगा तो ये झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। तो आपको दर्द ही इतना जलवा देते हैं कि जब आपके खुशी वाला पल आए तभी भी आपके सामने आपको वो याद रहे कि भाई मैं उसका हूँ, उसने मेरे को किसी पर्पस के लिए भेजा है। और ये चीज़ शायद मुनव्वर के साथ फिलहाल हो रही है। मतलब जो भी चीज़ें कॉन्सिक्वेंस उन्होंने बेयर किया उस चीज़ का बाहर आए और आज जिस तरक्की पर हैं, जिस लेवल पर हैं, जिस मुकाम पर हैं कि एक तस्वीर डाल दें या एक रील डाल दें तो आराम से उस पर मिलियन प्लस लाइक्स, मिलियन प्लस व्यूज़ हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके फैंस की पावर है, उनके फैंस का प्यार है। बिग बॉस में जाने से पहले अभी जितने फॉलोवर्स हैं उनके, उसके आधे फॉलोवर्स लेकर गए थे और अंदर जाने के बाद सबसे पहला जो अचीवमेंट था वो था 10 मिलियन फॉलोवर्स का। और अब जो अचीवमेंट है वो है 13.6 मिलियन प्लस फॉलोवर्स का। तो ये इंस्टाग्राम फैमिली इतनी ज़्यादा बढ़ी कैसे? ये बढ़ी है मेहनत से, अपने कंटेंट से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आइडियोलॉजी की बात करें, बिना किसी की, बोलते हैं ना कि भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ठेस पहुंचाने से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है भाई जाने अनजाने में, ना आप भगवान हैं, ना मैं, ना मुनव्वर, कोई नहीं, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां अनइंटेंशनली हमसे हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हमसे हो। फिलहाल 13.6 मिलियन फॉलोअर्स मुनव्वर के हो चुके हैं और इतना बड़ा फ़ैन बेस बनाने में पता नहीं कितने रातें उनको भी मेहनत करके या फिर कभी कभार तो रो करके निकालनी पड़ी होगी। फिलहाल उनकी तरक्की पे उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दीजिए और बधाइयाँ दीजिए, यही मेरा कहना है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।